नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। हिंदवी स्वराज के 350वें वर्ष पर लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य जानता राजा के शुभारंभ अवसर पर सीएम योगी ने राष्ट्रवाद की असीम प्रेरणा के पुंज इस नाट्य श्रृंखला के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन व नाटक के निर्माताओं को बधाई दी है। आइए सुनते हैं सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्घोष करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भारत का आजादी का उद्घोष बन गया था। जब इसी लखनऊ की धरती से तिलक जी ने उद्घोष किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, कुछ ही वर्षों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने में देर नहीं लगी। और इन महापुरुषों की का ये उद्घोष हम सबके लिए सदैव एक मंत्र बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी आज से साढ़े तीन सौ वर्ष पहले औरंगजेब जैसे बर्बर आत्ताई शासक के समय में भारत के अंदर हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। कल्पना करिए, एक तरफ औरंगजेब भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए पहचान को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उतावला दिख रहा है, प्रतिदिन उसको भारत के अंदर सनातन धर्मावलंबियों के कटे हुए जनियों और चोटियां उसको दिखनी चाहिए थी, मान बिंदुओं को दूषित होते हुए उसको दिखना चाहिए था, लेकिन उसी की छाती पर चढ़ करके दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज उद्घोष कर रहे थे हिंदवी साम्राज्य की, तो यह कोई सामान्य नहीं, एक असामान्य घटना थी। और दुश्मन के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, यह तो श्री कृष्ण की वही रणनीति थी जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनां बिना सहायज दुष्कृतां। याद करिए, जब एक आत्ताई समझौते के बहाने छत्रपति शिवाजी महाराज को दबोच करके उनको मृत्यु के चंगुल में भेजना चाहता था, इससे पहले कि दुश्मन सफल हो पाता, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका काम ही तमाम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब भी यह युक्ति भारतीय समाज अपनाएगा, कभी भी वह परेशान नहीं हो पाएगा, अपमानित नहीं हो पाएगा, अपनी सुरक्षा को, अपने सम्मान को और अपने स्वाभिमान को बचाने में सफल हो पाएगा। जानता राजा उसकी एक झलक हम सबके सामने प्रस्तुत करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज।